हरियाणा एच 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार। खरखोदा में इन दिनों जो नगरपालिका है पूरी चर्चा में है और इसके ठेकेदार और नगरपालिका अधिकारी कर्मचारी पूरी चर्चा में है। जो करीब 21-22 लाख रुपए से नालों की सफाई का टेंडर जारी किया गया था और ठेकेदार ने काम भी करना शुरू किया था, लेकिन उसमें इतनी अनियमितताएं बरती गई, इतना पक्षपात किया गया दुकानदारों के साथ, जिसके कारण ना तो ठीक ढंग से नाले साफ हुए, ना ही वो स्लैब थे वो रखे गए। अब जो ठेकेदार है ये और जो अधिकारी कर्मचारी है मिली भगत करके साठगांठ करके एक ऐसा गेम चला रहे हैं शहर में कि वो आधा अधूरा काम रहता है। अब दिल्ली रोड पे कहने को तो नगरपालिका के ठेकेदारों ने काम पूरा कर दिया है, लेकिन नाले अभी भी ठूके खड़े हैं, उसमें गंदगी पड़ी है, उनकी सफाई नहीं हुई। कुछ नालों को ये कह के छोड़ दिया कि इसने कहा है दो दिन में खुद ठीक कर लेगा, दो दिन में खुद सफाई कर लेगा, अगले का छोड़ दिया, गली का रास्ता छोड़ दिया और वही फिर डाक के तीन पात रास्ता फिर से ब्लॉक होने लगा है, रोड पे पानी फिर से आने लगा है। एक बात तो ये थी कि दिल्ली रोड का नाला साफ करके चले गए हैं और खाना पूर्ति पूरी हो चुकी है। इस बारे में प्रयास संगठन द्वारा विरोध भी किया गया, लोगों से पैसे लेकर के उनके स्लैब ढके गए, इस तरह के आरोप भी लगाए गए, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अब दूसरा चरण मटिंडू रोड पे चलाया गया, वहाँ जो स्लैब थे उनको आधों को तोड़ दिया गया, आधों को उखाड़ के रख दिया गया, सफाई किसी की नहीं। अब बहुत सारे लोगों ने वो स्लैब दोबारा से रख लिए हैं बगैर सफाई के। तो इस तरह से सफाई का चरण चल रहा है और ये 21-22 लाख रुपए हैं इसको ठिकाने पे लगाने के लिए नगरपालिका के जो ठेकेदार हैं उनकी कार्रवाई की जा रही है। इसमें क्या मामला है, कौन कौन लोग मिले हुए हैं, ये जांच का विषय है। अब नगरपालिका को कार्रवाई तो बराबर करनी चाहिए थी कि अब चले हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक, बीच बीच में छोड़ रहे हैं, उनसे पैसे लेने के भी आरोप लगे थे, भाई पैसा लेकर छोड़ रहे हैं या भाई भतीजावाद कर रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। 1 करोड़ पे कार्रवाई कर दी, दूसरे को छोड़ दिया, जिन्होंने स्लैब लगा रखे हैं, जिन्होंने टाइलें लगा रखी हैं उनके छोड़े हुए हैं, उनसे या तो पैसे लिए गए हैं या उनसे कोई और कोई फायदा लिया गया है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी गड़बड़ के कारण सारा का सारा नुकसान मौजूदा भाजपा सरकार को झेलना पड़ रहा है। लोग आवाजें उठा रहे हैं, कूड़ा घर से नहीं उठा के ले जा रहे। जो कर्मचारी जो नगरपालिका है इन दिनों, वो नगरपालिका खरखोदा शहर में भाजपा की वोटों पर एक राहु बनी हुई है, भाजपा की वोटों को निगल रही है और वो इस तरह से कांग्रेस को इसका सीधा सीधा फायदा हो रहा है। जहां भी जाओ, चाहे वो कूड़ा सफाई का है, नालों की सफाई का है या इसके कचरे के उठान का है, बेसहारा पशु पकड़ने का है, ये सारे के सारे मामले कांग्रेसी लोग उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जानबूझकर कार्रवाई नहीं करवा रही। जो नगरपालिका के ठेकेदार हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये मिलीभगत करके साठगांठ करके सरकार के ग्रांट का सरेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। बात चाहे बुचेश्वर तालाब की हो, चाहे महिला पार्क की हो, चाहे खेल स्टेडियम की हो, इनमें खूब अनियमितता बरती गई है, लाखों रुपये खर्च किए गए हैं और पार्कों पर तो करोड़ों रुपये का बजट है, लेकिन उसमें सावधानी कुछ नहीं बरती गई, लोगों को सुविधाएं मिली नहीं और लोगों को नुकसान ज़्यादा हुआ है। इस करके अब चुनाव में वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, भाजपा को काफ़ी नुकसान इसका झेलना पड़ सकता है। इसलिए अधिकारियों पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है, अधिकारियों पे काम कराने की ज़रूरत है। अधिकारी और ठेकेदार जो मिल के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं खरखोदा में, ये लोग इसको समझ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान भी हो सकता है। तो ये था खरखोदा नगर पालिका और ठेकेदारों का सफाई अभियान को लेकर। आगे आने वाले सीजन में बारिश होगी और फिर पूरा शहर भरा रहेगा, वो इसलिए भरा रहेगा, नालों की सफाई ठीक ढंग से नहीं हो रही, अभी भी नहीं हो रही। 21-22 लाख रुपए केवल सफाई के लिए हैं और वो सफाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है। चाहे आप दिल्ली रोड की बात कर लो, चाहे सांपला रोड या प्रताप कॉलोनी की तरफ से रोड गया है या मटिंडू रोड है, और जो खरखोदा में सरकारी स्कूल है, लड़कियों का स्कूल, उसके आगे भी गंदगी भरी हुई है और कूड़ा करकट वहीं पे डाला जा रहा है स्कूल के आगे, लेकिन नगरपालिका को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नगरपालिका को कोई ध्यान नहीं है। बेसहारा पशु परेशान कर रहे हैं, किसानों को भी, लोगों को भी, लेकिन नगरपालिका बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही। नगरपालिका ठेकेदारों पर कोई खास एक्शन नहीं ले रही, इनका मिलीभगत से काम चल रहा है, ऐसे आरोप नगरपालिका पर लगातार लगते रहे। प्रताप गर्ल्स स्कूल
सापला रोड खरखुदा, खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। खरखुदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरखुदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों के हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। केदारनाथ एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ईंट रोड़ी क्रेसर सीमेंट बदरपुर एएसी ब्लॉक सरिया शटरिंग सामान कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657 999-6596120। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।